मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूं अखबार बानी गॉसिप में। पूजा भट्ट का फाइनली गुस्सा जो है वो फूट चुका है और वो भी जिया शंकर और पलक पे। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि आखिरकार क्या हुआ और पूरी अपडेट जानने के बाद आप लोग बोलिए कि भाई पूजा भट्ट को ऐसा क्या हो गया था जो कि इतना ज्यादा शुरू कर दिया इन्होंने। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पूजा भट्ट बहुत ज्यादा शांत है पर अंदर ही मन में जो है सब चीजें देख के ऑब्जर्व करके जो है रखती हैं, ग्रजेस रखती हैं। जैसे कि अभिषेक के लिए भी रखा हुआ है, अभी जेल का पात्र जो है वो अभिषेक को भी बोल रही थी पर फाइनली जो है ना उन्होंने नाम चेंज कर दिया। अब जो है सुबह पलक थोड़ी बहुत बात कर रही थी और पलक ने एक बार बोल दिया था कि भाई आप जो हैं वो एक्चुअली में आप मेरी बात नहीं समझते क्योंकि अविनाश जो है उसने पता नहीं क्या बोल दिया। उस वक्त पूजा कुछ बोल रही थी तो वहां से पलक निकल गई। अब जो है जिया और पलक बात करके सीधा किचन में आते हैं खाना बनाने के लिए क्योंकि इनके अलावा कोई और खाना बनाने के लिए है नहीं घर में। वहीं पर जो है पूजा भट्ट इससे बात कर रही होती है, समझा रही होती है जदादित को और मनीषा को और वहीं पर पूजा भट्ट जो अचानक शुरू कर देती है, तुम लोग ऐसे ही हो, तुम गैंग अप करके जो है इस लड़की को सताते हो, ये सब चीजें करते हो। वहां पर जिया अचानक हैरान हो जाती कि भाई क्या हुआ। पलक बोलती कि मैम मैंने क्या किया। जहां पर जिया के ऊपर और ज्यादा चढ़ जाती है कि मैंने तुझे बहुत बार देखा, मैंने बहुत बार सुना, तो हमेशा ये बात बोलती रहती है कि इसके साथ रह रह के बेबिका के साथ रह के बेबिका की जैसे बन गई है, वो खुद नहीं रही, वो फेक है, वो कभी नहीं रही, वो बहुत अच्छी है, हंसी मजाक करती है, बेबिका को भी रोकती है, पर तुम लोगों ने गैंग अप करके ये सब चीजें की है, वो गाँव से आई है इसीलिए तुम लोग ये सब चीजें कर रहे हो। इतना ज्यादा गुस्सा किया जहां पर जिया तो चुप हो जाती है, जिया कुछ भी रिप्लाई नहीं देती पर पलक जो है काफी ज्यादा रिप्लाई, मैम मैंने क्या किया है, मैंने तो कभी गैंग अप नहीं किया और मैं इसको इस तरीके से टारगेट नहीं करती हूं, मैं ऐसा नहीं करती हूं। जहां पर बस पूजा बोले जा रही है और सुन ही नहीं रही है और इतना गंदे से बात कर रही है, इतनी गंदे से इंग्लिश में, मतलब लगातार दे धना धन धन, पता नहीं अचानक क्या हुआ, अचानक ही बस रुद्र रूप धारण कर लिया, ना कोई आओ ना ताओ, बस निशाना लगा दो और इन्होंने लगा दिया। अभी आप बताइए भाई जिया के रिएक्शन निकले हैं, जिया ने क्या बोला अभी पूजा भट्ट के बारे में, आने वाली वीडियो में बताऊंगी आपको। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।